हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप सेयर 2D में। आज हम डिस्कस करने वाले उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 5 रुपए 45 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 7.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 37% की तेजी देखने को मिली है, 1 महीने में 52%, 3 महीने में 59%, 6 महीने में 29% और 1 साल के अंदर 24% की तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में देखें तो लॉन्ग टर्म में लगातार एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, परंतु आज के दिन इस स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 76 रुपीज। 76 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई लगा, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 57 रुपीज। 57 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे का एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहेगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 57 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 80 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट 76 रुपीज के बाद देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक 76 रुपीज का ब्रेकआउट देता है, इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।